लाइफ में हमने हर चीज को एक नाम से जोड़ दिया है, जैसे नूडल्स मतलब मैगी, यानी ब्रांड नेम आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को। वैसे ही टीवी में जो ब्रांड ट्रू पिक्चर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है वो है सोनी। बट बदलते वक्त के साथ हर ब्रांड कुछ नया ला रहा है, कुछ नए चेंजेस कर रहा है। तो इस साल सोनी ने क्या नया लाया होगा, कौन से नए टीवी मॉडल्स लाए होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच टीवी मॉडल इज बेस्ट फॉर यू, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोनी टीवीज, क्योंकि सोनी अलग अलग टीवी मॉडल्स में अलग अलग डिस्प्ले ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करता है। हम में से कई लोग टीवी लेते वक्त मिस्टेक्स कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नो द टेक्निकल एंड स्मॉल डिटेल्स, एंड हेंस आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा सो एज आप टीवी लेते वक्त कोई भी मिस्टेक ना करें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोनी। सबसे पहले इसमें टीवी मॉडल नेम्स। सोनी ब्रांड ने इस साल कई सारे नए टीवी मॉडल्स लाए हैं इन एवरी बजट कैटेगरी, एंड उसी हिसाब से उनके नाम भी है। बट ना, ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है। सोनी के टीवी मॉडल्स के नाम तीन इन्फॉर्मेशन से दिखाए जाते हैं: टाइप ऑफ पैनल, सीरीज ऑफ मॉडल एंड द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी मॉडल्स में पहला लेटर एक्स दिखाता है टीवी पैनल विच इज नॉर्मल LCD LED पैनल, लेकिन ए दिखाता है इट्स एन OLED पैनल। नेक्स्ट जो नंबर है वो दिखाते हैं सीरीज ऑफ मॉडल, जैसे कि 74 या 75, ये एंट्री लेवल की टीवी मॉडल्स है, और वही 80 या 90 ये मिड रेंज एंड हाई रेंज मॉडल्स है। तो इसका मतलब है जितना बड़ा ये नंबर होगा उतने अच्छे फीचर्स उस टीवी में होंगे। एंड लास्ट अल्फाबेट दिखाता है ईयर ऑफ मॉडल, जैसे कि जे 2021 मॉडल्स को दिखाता है, के 2022 मॉडल्स को, एंड एल स्टैंड्स फॉर 2023 मॉडल्स। तो हो गया ना नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम की तरह। तो अगर आपके टीवी का मॉडल है 55X80L, तो इसका मतलब हुआ ये टीवी 2023 का मॉडल है ऑफ 80 सीरीज विद LCD LED पैनल विद द डिस्प्ले साइज ऑफ 55 इंच। नेक्स्ट जानेंगे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। किसी भी टीवी में जो पिक्चर आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है उसके कलर प्रोडक्शन से। सोनी तीन टाइप के टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है इन देयर डिस्प्ले पैनल टू प्रोड्यूस एक्यूरेट कलर्स। एक है लाइव कलर्स, दूसरा है ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले, एंड तीसरा है XR ट्राइल्यूमिनस प्रो। लाइव कलर टेक्नोलॉजी सोनी के एंट्री लेवल के टीवी मॉडल्स में यूज़ किया जाता है। लाइव कलर टेक्नोलॉजी में डिस्प्ले पैनल ज़्यादा विविड कलर शो करता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू लेवल्स को प्रॉपरली एडजस्ट करता है टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल कलर प्रोडक्शन फ्रॉम द डिस्प्ले। ये विविड कलर शो करता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस 30% वाइडर कलर्स, पर्टिकुलरली ऑफ रेड एंड ग्रीन एरियाज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इन टीवी मॉडल्स में लाइव कलर टेक्नोलॉजी के अलावा सोनी का X1 प्रोसेसर का भी यूज़ किया जाता है। ये प्रोसेसर एडवांस एल्गोरिथम्स को यूज़ करके टीवी में पिक्चर्स के डिटेल्स को बूस्ट करता है, एंड नॉइस एंड ब्लरीनेस को रिड्यूस भी करता है टू गिव यू शार्प क्लियर एंड डिटेल्ड पिक्चर्स। दूसरी टेक्नोलॉजी है ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले, जो कि सोनी के मिड एंड हाई रेंज टीवीज में यूज़ किया जाता है। ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले कलर को प्रोड्यूस करने के लिए एक क्यूलेट पैनल जैसा ही काम करता है। जैसे हम जानते हैं कि क्यूलेट पैनल में डिस्प्ले के पीछे एक वाइट कलर का बैकलाइट यूज किया जाता है विच एमिट्स वाइट लाइट, जो कि एक क्वांटम डॉट फिल्टर से पास होकर कलर प्रोड्यूस करके देता है। वही सोनी ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले में ब्लू कलर के बैकलाइट का यूज करता है इंस्टेड ऑफ वाइट लाइट, जिससे ब्लू कलर प्रोड्यूस करने में काफी आसानी हो जाती है सोनी के टीवीज को, और यही ब्लू कलर का लाइट पास होता है टीवी के कलर फिल्टर से टू प्रोड्यूस वेरियस अदर कलर्स। हेंस वी कैन से ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले एंड QLED टेक्नोलॉजी आर वेरी सिमिलर। सोनी का ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले के साथ X1 प्रोसेसर या फिर एडवांस XR कॉग्निटिव प्रोसेसर का भी यूज किया जाता है अपने टीवीज में। हमने X1 प्रोसेसर को तो जान लिया, बट ये XR प्रोसेसर क्या है? जैसे VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, वैसे ही XR का मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। ये प्रोसेसर ऐसे कलर्स को प्रोड्यूस करता है जो कि ऑलमोस्ट नेचुरल एंड रियल लाइफ लाइक लगे, हेंस यू गेट मोर बेटर शेड्स ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू।
बट जो तीसरा कलर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना XR Triluminous Pro, वो सोनी के हायर एंड टीवी मॉडल्स में ही देखने मिलेगा, जो कि और भी ज्यादा वाइडर कलर पैलेट एंड प्रिसाइज ग्रेडेशन शो करता है कलर्स में। इस टेक्नोलॉजी से एक्यूरेट एंड विविड शेड्स ऑफ कलर्स आपको टीवी में दिखाई देंगे। एंड इसके लिए ऐसे टीवीज में XR कॉग्निटिव प्रोसेसर का यूज किया जाता है। ये प्रोसेसर कलर के साथ साथ ऑडियो को भी ऐसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है जैसे कि एक इंसान की आंखों को देखने में और कानों से सुनने में पसंद आए, यानी एकदम रियल लाइफ लाइक। तो जिस बजट कैटेगरी का आप टीवी चूज करेंगे, उसी टाइप की टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसर आपको उस टीवी में देखने मिलेंगे। एंड ये प्रोसेसर्स पिक्चर्स को एंड कंटेंट को अपस्केल करने में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, एंड हेंस अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ सोनी टीवीज आर वेरी गुड। तो अब जानते हैं सोनी के वो लेटेस्ट टीवी मॉडल्स एंड हमारे रेकमेंडेड टीवी मॉडल्स जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे। सबसे पहले बजट कैटेगरी में इनमें आते हैं X64L, X70L, X74L एंड X75L। ये सभी टीवी मॉडल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत इनके रिफ्रेश रेट में या मोशन फ्लो रेट में डिफर करते हैं। इन सभी मॉडल्स में लाइव कलर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं बट डॉल्बी एटमोस एंड डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करते। इट हैज गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये टीवीज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट एंड ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इन टीवीज पे एक प्रोटेक्टिव लेयर का यूज किया गया है जिसे सोनी कहता है एक्स प्रोटेक्शन प्रो। अगर आप मोस्टली ST या HD चैनल्स देखते अपने सेट टॉप बॉक्स से, तो आपको X64L या X70L या इनफैक्ट X74L लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ST HD चैनल के साथ थोड़ा बहुत OTT प्लेटफॉर्म्स को भी देखते हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स में आपके पास बेसिक या स्टैंडर्ड प्लान्स है, तो आपको X75L प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स PS5। जैसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, तो इन सारे टीवीज में कुछ कमी भी है, जैसे डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट ना करना। और ये सारे टीवीज थोड़े से ओवर प्राइस लगते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। बाकी दूसरे ब्रांड्स में आपको इससे ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, वो भी कम प्राइस में। चॉइस इज योर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ एंड वो है मिड बजट सेगमेंट। ज्यादातर इसी कैटेगरी से सोनी की असली पहचान होती है, बिकॉज इसमें ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले का यूज किया जाता है। एंड ये टीवीज ST HD चैनल्स एंड ऑल्सो OTT व्यूइंग दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें आते हैं X80K एंड ऑल्सो X80L। इन टीवीज में LCD LED पैनल का यूज किया गया है एंड ये रहे इन टीवीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इन टीवीज की खास बात है इनका HDR परफॉर्मेंस, इट्स ब्यूटिफुल। स्पेशली जब आप OTT कंटेंट देख रहे हो, तो HDR में क्वालिटी क्या गजब की आती है। इनफैक्ट ST HD चैनल्स की अपस्केलिंग भी अच्छी है एंड शार्पनेस एंड डिटेल्स भी आपको बहुत ही परफेक्ट मिलती है इन टीवीज में। तो कंप्लीट मिक्स यूसेज के लिए दीज आर द परफेक्ट टीवीज। अगर इन टीवीज की कमी की बात करें, तो ये गेमिंग के लिए उतने ज्यादा बहुत अच्छे तो नहीं है, बट हाँ, आप नॉर्मल गेमिंग इस टीवीज में कर पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है अपर बजट कैटेगरी। इनमें आते हैं X85L एंड X90K, जहाँ इनमें फुल अरे LED डिस्प्ले का यूज हुआ है, यानी इनमें आपको लोकल डिमिंग जोन्स मिलेंगे फॉर द बेटर कंट्रास्ट। एंड जल्दी शायद X95L भी लॉन्च हो जाए, जिनमें मिनी LED का यूज किया गया है फॉर प्रिसाइज कलर प्रोडक्शन। तो इन टीवीज में XR कॉग्निटिव प्रोसेसर का यूज किया है, विच गिव्स ब्रिलियंट कलर्स। इन टीवीज की खास बात है इनका कंट्रास्ट रेशो। OLED टीवीज जो कि कॉस्टली होते हैं, उनके जैसा इनफाइनाइट कंट्रास्ट रेशो दे पाना तो इम्पॉसिबल है, बट बहुत अच्छे डीप ब्लैक्स इन टीवीज में आपको देखने मिलेंगे, एक्यूरेट कलर्स भी आपको देखने मिलेंगे एंड OTT कंटेंट देखने के लिए तो ये लाजवाब टीवीज है। तो हेंस प्रेफर दिस टीवी इफ यू वॉन्ट अ परफेक्ट टीवी फॉर OTT व्यूइंग एंड ऑल्सो फॉर गेमिंग। अगर इन टीवीज की कमी की बात करें, तो ये भी थोड़े से कॉस्टली है। नाउ कमिंग टू द प्रीमियम एंड फ्लैगशिप सेगमेंट, तो इनमें आते हैं सोनी के OLED टीवीज। इनमें आपको A80K एंड A80L देखने मिलेंगे, जो कि OLED पैनल्स के साथ आते हैं, एंड A95K जो कि QD OLED पैनल के साथ आता है। तो इन टीवीज में आपको इनफाइनाइट कंट्रास्ट रेशो मिलेगा ड्यू टू ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड एंड XR कॉग्निटिव प्रोसेसर विद XR Triluminous Pro डिस्प्ले यूज हुआ है फॉर एनहांस कलर एंड ऑडियो कैपेबिलिटीज। तो ये रहे इन टीवीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। OLED पैनल की लाजवाब कंट्रास्ट, करेक्ट ब्राइटनेस लेवल्स एज पर द सीन,
surface audio technology and also powerful processor. This will be a treat to have in your home. ये premium TVs उनके लिए है जो कोई भी compromise नहीं चाहते picture quality में and जिनका high budget है. These TVs are perfect for having true cinematic experience and also for the gaming. Also in life, everything is replaceable. हर चीज का अल्टरनेटिव होता है. अगर आप इन टीवीज के अल्टरनेटिव जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर पूछेगा. मैं पूरी ईमानदारी से आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है उन टीवीज की जो हम रिकमेंड करते हैं आपके लिए. प्लीज हमारे लिंक्स को यूज कीजिएगा टीवी खरीदने के लिए. एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. थैंक यू.